सवाल पूरे समाज के सामने है। अगर हमारा समाज यहाँ है, हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधने का आदेश कौन दिया था? हम चलते थे, जमीन पर थोपने का अधिकार नहीं था, जिस जमीन पर हम आज सब कुछ कर रहे हैं। और हमारे कमर में झाड़ू था कि हमारे पैर की निशानी जमीन पर नहीं पड़नी चाहिए। ये जमीन किसके बाप की थी? ये जमीन किसका बाप बनाया था? इस जमीन को किसने लेकर के आया था? लेकिन धन्य हो हमारे बोधिसत्व बाबा साहब खोज भी आरम्भ कर, आपने हमें कहां खड़ा कर दिया। हमारे पुजारी भैया की धर्म पत्नी जी की ओर से इस भीम भजन पर सम्मान किया गया। प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, सादर जय भी करता हूं। दूसरी लाइन है, आदरणीय हमारे शिव प्रसाद भैया की ओर से क्रांतिकारी गीत पर सम्मान किया जा रहा है। सम्मान किया जा रहा है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, सादर जय भजन करता हूं। तुम भूल ना कभी, समाज में गले में जहां हांडी बांधी जाती थी वहां आज टाई लग गई। किसके बल पर? बोधिसत्व पूज बाबा साहब बीआर अम्बेडकर के बल पर। ये हमारे शिव प्रसाद भैया के भांजा अनिल मास्टर और हमारे भी भांजा हैं बाबू, बाबू को बहुत बहुत सम्मान करते हैं। का करी चाहा पत्नी बांधी जाती थी आज के 150 साल पहले। बाबा साहब के बाद जहाँ हंडी बांधी जाती थी, बाबा साहब ने अपने सपोपर पर यहाँ टाई लगवा दिया, वकील बनवा दिया, जज बनवा दिया, दरोगा बनवा दिया, पुलिस बनवा दिया, कलेक्टर, एसडीएम, सीएम, पीएम, डीएम भी बनवा दिया। Thank you.
लग गई जहाँ झाड़ू बांधा जाता था वहाँ पेट टका करके पिस्टल दी। खुशवा दिया हमारे परम पिता बोली सत्य बाबा साहब पूज भी आरम्भेश्वर, सबसे बड़ी बीमारी का कारण हमारे गाने की यही है कि जाकर के समाज में इस चीज को बता रहा है, समाज पे बल दे रहा है और समाज हमारी बात कम समझ रहा है। लेकिन Yeah.